नमस्कार, मैं हूं दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 4 मई, दिन शनिवार। खबरों के बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जमीन की ई मापी कराना अब होगा और आसान। खेतों में पराली जलाने से होते हैं कई नुकसान। सोनाक्षी सिन्हा ने राजनीति में एंट्री लेने को लेकर कही ये बात। बिहार के 15 पद्मश्री कलाकारों पर पब्लिश होगी बुक। प्रदेश में नमी युक्त हवा के कारण गर्मी से मिल सकती है राहत। आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए आज का मैच काफी अहम। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईटीआई अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती, जल्द करें आवेदन। आईटीआई अप्रेंटिस पद के लिए डीआरडीओ के तहत रक्षा धातु कर्म अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती कुल 127 पदों पर आई है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.apprenticeshipindia.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फिटर, ट्रेनर, मशीनिस्ट, वेल्डर, कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जैसे ट्रेड में उम्मीदवारों का चयन होगा। आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 मई है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जरूरी है कि आपने 12वीं पास किया हो, साथ ही संबंधित ट्रेड से ITI डिप्लोमा किया हो। इस भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके वेबसाइट अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में जमीन की मापी कराना अब होगा और आसान। बिहार में जमीन की ई मापी कराना अब और आसान होने वाला है। अब जमीन की ई मापी के लिए राजस्व कर्मचारी के प्रतिवेदन की जरूरत नहीं होगी। पत्र के साथ ही अब ई मापी आवेदन का एक अलग प्रारूप को शामिल किया गया है। शपथ पत्र को ई मापी कराने के इच्छुक रैयत को जमा करना होगा। शपथ पत्र में ये लिखना होगा कि अगर भविष्य में उनके दावे गलत पाए जाते हैं तो वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगे। अब प्रतिवेदन के बदले रैयत के शपथ पत्र के आधार पर जमीन मापी की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, साथ ही इसमें राजस्व कर्मचारी की भूमिका को समाप्त कर दिया जाएगा। विभाग ने अब जमीन मापी के आवेदन को अधिकतम 30 दिनों के अंदर निपटारे का आदेश दिया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सीपी ठाकुर के बारे में। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर पेशे से एक राजनीतिज्ञ और चिकित्सक थे। इनका जन्म वर्ष 1931 में बिहार मुजफ्फरपुर के दुभा में हुआ था। लोग इन्हें काला आजार दवा की खोज में योगदान देने के लिए भी जानते हैं। इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया गया था। ये पुरस्कार हासिल करने वाले सीपी ठाकुर पहले भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक थे। इन्होंने कई किताबें भी लिखी जिसमें विकास की गतिशीलता, भारतीय प्रौद्योगिकी झलक आदि शामिल है। इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बीपीएससी के लिए आवेदन करते समय ज़्यादा रुपए कटने पर करेंगे काम। बीपीएससी के लिए आवेदन करने समय आवेदकों को राशि का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन राशि का भुगतान करते समय गलती से या किसी कारण से अधिक राशि कट जाने पर यह राशि आयोग के द्वारा वापस किया जाएगा। इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना जारी की है। इसमें राशि को वापस करने के उपाय के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही कहा गया है कि बैंक के डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने पर उसी बैंक के कस्टमर के ईमेल आईडी पर चार्ज लिखते हुए डिस्प्यूट रेंज करने के लिए ईमेल करना होगा। इसमें अभ्यर्थी को अपना ट्रांजैक्शन आईडी, रेफरेंस नंबर एवं ट्रांजैक्शन डेट का भी उल्लेख करना होगा। खेतों में पराली जलाने से होते हैं कई नुकसान। खेतों में पराली जलाने से कई नुकसान होते हैं। ऐसा करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला लिया गया है। ऐसे किसानों को चिन्हित किया जाएगा, साथ ही उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा। उन्हें कृषि विभाग के द्वारा संचालित होने वाले किसी भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगले 3 साल तक के लिए इन किसानों को सरकारी योजना का फायदा नहीं पहुँचेगा। मालूम हो कि खेतों में पराली जलाने के कारण कई तरह के नुकसान होते हैं। इस कारण खेतों की मिट्टी का तापमान बढ़ जाता है और मिट्टी में उपलब्ध जैविक कार्बन जो मिट्टी में पहले से ही कम है वो खत्म हो जाते हैं। इस कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाती है। मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन भी कम होते हैं। बिहार बोर्ड की 10वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा आज से शुरू। बिहार बोर्ड की आज से 10वीं कंपार्टमेंटल और स्पेशल परीक्षा शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन आज से 11 मई तक के लिए किया जा रहा है। जो छात्र अधिकतम 2 विषयों में फेल हुए हैं उन्हें कंपार्टमेंटल परीक्षा के माध्यम से पास होने का अन्य मौका दिया जा रहा है। दूसरी ओर उन छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जो फॉर्म जमा करने में लेट हो गए थे, इस कारण वो परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे।
मालूम हो कि बिहार के 119 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 53,505 परीक्षार्थी शामिल होंगे। दो पालियों में परीक्षा होगी। इधर विशेष परीक्षा में 11,256 और कंपार्टमेंटल परीक्षा में 42,349 परीक्षार्थी शामिल होंगे। देश भर में अब किसी ऐप के बिना फोन में दिखेगा कॉल करने वाले का नाम। आपके फोन में किसका कॉल आ रहा है ये जानने के लिए हम उस व्यक्ति का नाम फोन में सेव करते हैं। वहीं अनजान नंबर से किसका कॉल आ रहा है ये देखने के लिए किसी थर्ड पार्टी ऐप जैसे ट्रू कॉलर आदि का प्रयोग करते हैं। ये ऐप आपसे कई तरह की निजी जानकारी को मांगता है। इस कारण डेटा के लीक होने का खतरा बना रहता है। इससे बचने के लिए आपके पास विकल्प होगा, क्योंकि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने देश भर में टेलीकॉम कंपनियों को कॉलिंग नेम प्रेजेंट करने का आदेश दिया है। इसके बाद अनजान व्यक्ति को कॉल करने पर आपको उसका नाम दिखेगा। फिलहाल इसके लिए ट्रायल चल रहा है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव ने सीएम को लिखा पत्र। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता और हठधर्मिता की वजह से शिक्षकों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भीषण लू एवं गर्मी हवाओं के बीच शिक्षकों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सरकार के द्वारा हीट वेव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऐसे हालात में शिक्षकों को स्कूल आना पड़ रहा है। शिक्षकों को भीषण आग में झोंका जा रहा है। शिक्षक की लू लगने से जान जाने के मामले में सीएम को पत्र लिखकर सहायता राशि की मांग की गई। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे जलालगढ़ के किला के बारे में। ये किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है, जो लगभग 300 साल पुराना दुर्ग माना जाता है। ये किला पूर्णिया से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर में देखने को मिल जाएगा। सालों पहले ये किला मुगल कालीन के सैनिक छावनी हुआ करती थी। इसका निर्माण कब और किसने करवाया था ये तो अस्पष्ट नहीं है, लेकिन इतिहासकारों के मुताबिक इसका निर्माण बंगाल के नवाब ने करवाया था। 300 साल पुराना किला आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। हालांकि पहले से इसकी स्थिति थोड़ी जर्जर हो गई है। किले की बनावट देखते बनती है। यदि आप कहीं घूमने का शौक रखते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। बिहार के अलग अलग जिलों में शिक्षा विभाग के कर्मियों को हटाने का आदेश। बिहार के अलग अलग जिलों में शिक्षा विभाग के कर्मियों को हटाने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को हटाने का निर्णय लिया गया है। पटना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में प्रतिनियुक्त पर तैनात कर्मियों को नौकरी से हटाया जाएगा। विभाग की तरफ से लिपिक परिचारी को हटाया गया है। अलग अलग जिलों में ड्यूटी पर तैनात 16 लोगों को नौकरी से हटाने का आदेश दिया गया है। जानकारी के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिले आदेश के बाद ये कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग के द्वारा इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। सोनाक्षी सिन्हा ने राजनीति में एंट्री लेने को लेकर कही ये बात। बिहार के सोनाक्षी सिन्हा ने राजनीति में एंट्री को लेकर जवाब दिया है। एक्ट्रेस ने कहा है कि उन्होंने अपने पिता को देखा है और उनमें नेता बनने वाली वो काबिलियत नहीं है। वहां भी जाने पर लोग नेपोटिज्म का इल्ज़ाम लगाएंगे। अभिनेत्री ने आगे कहा कि खैर मजाक से हटकर मुझे नहीं लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूंगी, क्योंकि मैंने अपने पिता को ये करते हुए देखा है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि मुझ में ये काबिलियत है। मेरे पिताजी लोगों के बीच रहने वाले शख्स हैं, जबकि मैं एक बहुत ही पर्सनल शख्सियत हूँ। एक्ट्रेस ने कहा कि उनके पिता वाली बात उनमें नहीं है, वो लोगों के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। बिहार के 15 पद्मश्री कलाकारों पर पब्लिश होगी बुक। बिहार के 15 पद्मश्री कलाकारों पर बुक पब्लिश होगी। बिहार म्यूजियम के अपर निदेशक अशोक कुमार के द्वारा ये किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम बिहार के पद्मश्री कलाकार रखा गया है। कलाकार उपेंद्र भारती और श्याम शर्मा, लोक कला से जगदम्बा देवी, गंगा देवी, सीता देवी, बउआ देवी, दुलारी देवी, गोदावरी देवी, शांति देवी, शिवम पासवान सहित 52 बूटी के कपिल देव प्रसाद, पेपर मैसी में सुभद्रा देवी, टिकुली कला के अशोक कुमार विश्वास जैसे अन्य कलाकारों की कहानी इस किताब में लिखी गई है। 15 मई तक इस किताब का प्रकाशन होगा। इसके बाद इसका विमोचन होगा। घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान। बिहार में घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस बनाना आसान हो चुका है। अब घर बैठे ही आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब जिला परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लोग घर बैठे ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये सुविधा अक्टूबर के महीने से शुरू हो जाएगी। लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन ही टेस्ट देने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसे घर बैठे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल आदि से दिया जा सकेगा।
परिवहन विभाग की वेबसाइट पर टेक्स्ट का लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें 15 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद मोबाइल पर ही लाइसेंस आ जाएगा। इधर पटना में DTO कार्यालय अब गांधी मैदान स्थित बिस्कोमान टावर की जगह फुलवारी शरीफ जेल के पास स्थित परिवहन परिसर में शिफ्ट हो चुका है। CBSE का रिजल्ट इस दिन होगा जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी करने को लेकर अपडेट दिया है। इसके अनुसार CBSE का रिजल्ट अब 20 मई के बाद जारी किया जाएगा। रिजल्ट को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://www.cbse.gov.in या फिर https://cbserizults.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। संभावना जताई जा रही है कि एक साथ ही 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। रिजल्ट को चेक करने के लिए रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की जरूरत पड़ेगी। इस कारण परीक्षार्थियों को ये सलाह दी जा रही है कि वो अपना प्रवेश पत्र निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। मोबाइल के ओवरहीट होने पर उसे कैसे करें ठंडा? देश भर में भारी गर्मी पड़ रही है। ऐसे में कई लोग मोबाइल के ओवरहीट होने की समस्या से परेशान हो रहे हैं। ऐसा होने पर कुछ तरीकों को अपनाकर डिवाइस को ओवरहीटिंग से बचाया जा सकता है। कई बार फ़ोन गर्म होने के बाद हैंग होने लगता है। ऐसी स्थिति में डिवाइस को कुछ देर तक बंद करने के बाद ऑन करना चाहिए। स्क्रीन के ब्राइटनेस को तब तक के लिए कम कर देना चाहिए जब तक के लिए ठंडा नहीं हो जाए। फ़ोन को गर्मी से बचाने के लिए इसमें लगे बैक कवर को भी हटाया जा सकता है। साथ ही इंटरनेट और ब्लूटूथ को भी बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा फ़ोन को उसके असली चार्जर से ही चार्ज करना चाहिए। बिहार में अब सरकारी क्वार्टर में रहना हुआ महंगा, देना होगा मासिक किराया। बिहार में अब सरकारी क्वार्टर में रहना महंगा होने जा रहा है। सरकार के द्वारा राशि तय की गई है, साथ ही मेंटेनेंस चार्ज का भी भुगतान होगा और इन्हें अब मासिक किराया भी देना होगा। सरकारी सेवकों को सरकारी क्वार्टर में रहना महंगा पड़ेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि मेंटेनेंस चार्ज के तौर पर 839 रुपये से लेकर 3768 रुपये देने पड़ेंगे। सरकारी सेवकों के वेतन से इस राशि की कटौती की जाएगी। पटना में बेसिक सैलरी का 16% हाउस अलाउंस के रूप में दिया जाता है। प्रदेश में नमी युक्त हवा के कारण गर्मी से मिल सकती है राहत। प्रदेश में कई जगहों पर मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवा, पूर्वा हवा आने के कारण अधिकतम तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश में आज किशनगंज जिले में एक या दो स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। बाकी अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। इसके अलावा शेखपुरा और मधुबनी जिलों में कुछ जगहों पर लू की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 38 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की बात कही गई है। कार में बड़े साइज के मॉडिफाइड टायर लगाने से कटेगा इतने रुपए का चालान। अपने कार में बड़े साइज के मॉडिफाइड टायर लगवा लिया है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। दरअसल हम में से कई लोगों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती है कि टायर या बाकी चीज़ों का कार में बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर चालान कट सकता है। कार में दूसरी कंपनी का टायर लगाया जा सकता है लेकिन उसका जो साइज है ये वही रहना चाहिए, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है, साथ ही आपको 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है। वहीं कार में अगर इंजन साइलेंसर या हॉर्न में भी मानक के अनुरूप नहीं होता है तो आपका जुर्माना बढ़ सकता है। बाइक पर ये नियम लागू होते हैं। बाइक में तेज हॉर्न, हूटर, चौड़े टायर या फिर तेज आवाज करने वाले एग्जॉस्ट लगाने पर आपको 1,000 रुपए का चालान भरना पड़ सकता है। पटना के स्टेडियम में अब लाइव मैच का ले आनंद। पटना के स्टेडियम में अब लाइव मैच का आनंद लिया जा सकता है। दर्शकों को बड़ी स्क्रीन पर मैच का आनंद देखने को मिलेगा। पटना के जगजीवन स्टेडियम में IPL फैन पार्क का निर्माण किया जाएगा। आज और कल मैच का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। इस साल 50 शहरों में IPL फैन पार्क होने वाला है। बिहार में इसके लिए सिर्फ पटना का चयन किया गया है। इसमें लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल मुफ्त रहेगी। शहरवासी के लिए यहां उनके परिवार के साथ खेलने की भी व्यवस्था की जाएगी। पुलिस और मेडिकल सपोर्ट भी लोगों के लिए यहां पर उपलब्ध होंगे। BCCI के प्रतिनिधि ने इस संबंध में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कई जगह पर स्टेडियम होते हुए भी मैच नहीं होते हैं, हम वहां पर स्टेडियम का फील देना चाहते हैं। दरभंगा एम्स को लेकर तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर कसा तंज। दरभंगा एम्स को लेकर बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने PM मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि प्रधानमंत्री आज दरभंगा एम्स का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर 10 साल तक ठगने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि PM सिर्फ कब्रिस्तान, शमशान और हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। PM मोदी के हिसाब से तो दरभंगा एम्स का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वो मुआयना करेंगे कि कितना अच्छा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, सबका इलाज हो रहा है या नहीं हुआ है।
पीएम नरेंद्र मोदी का आज पांचवा बिहार दौरा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पांचवा बिहार दौरा है। वो दरभंगा में आज रैली करने जा रहे हैं। भाजपा के उम्मीदवार और निवर्तमान सांसद गोपाल जी ठाकुर के लिए ये लोगों से वोट अपील करेंगे, साथ ही उनके पक्ष में ये चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 6 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। वो उजियारपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार आज पीएम नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा नेताओं के द्वारा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साथ ही प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए आज का मैच काफी अहम। आईपीएल 2024 में 52वां मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस की दोनों टीमों के बीच चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले खेले गए मैच में आरसीबी की टीम ने बाजी मार ली थी, लेकिन आज का मैच इस टीम के लिए काफ़ी अहम होने वाला है। प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए ये मैच जीतना बेहद ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं होने पर इस टीम के लिए प्लेऑफ की सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। आरसीबी आईपीएल 2024 में बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है। फिलहाल ये टीम अंक तालिका में सबसे नीचे है, वही गुजरात की टीम 8वें स्थान पर है। आईपीएल 2024 में आज के मैच में हार होने के साथ ही आरसीबी के लिए प्लेऑफ की संभावना खत्म होगी। आपके अनुसार इस टीम का बाहर होने के कगार पर पहुंचने का क्या कारण हो सकता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन यानी 4 मई वर्ष 1854 को भारत का पहला डाक टिकट आधिकारिक रूप से जारी हुआ था। आज के दिन वर्ष 2008 में विख्यात भारतीय तबला वादक पंडित कृष्ण महाराज का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1905 में भारतीय न्यायाधीश अन्ना चांडी का जन्म हुआ था। आज के दिन भारतीय अभिनेता पॉल भट्टार्जी का वर्ष 1960 में जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1983 में त्रिशा कृष्णन का जन्म हुआ था। ये पेशे से एक भारतीय अभिनेत्री थी। सेंसेक्स 700 से भी अधिक अंक टूटा। भारतीय शेयर बाजार में कारोबार के आखिरी दिन भारी गिरावट देखने को मिली है। बीएसई पर सेंसेक्स 717 अंकों के साथ गिर गया। इसके साथ ही ये 73,898.90 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई पर निफ्टी 0.77% गिरावट के साथ 22,473.90 पर क्लोज हुआ है। कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम इंडस्ट्रीज टॉप गेनर के लिस्ट में शामिल है। दूसरी ओर मारुति सुजुकी, एलएनटी, भारतीय एयरटेल, RIL ने गिरावट के साथ कारोबार किया है। बीते दिन शेयर बाजार ग्रीन जोन में खुला था, लेकिन गिरावट के साथ बंद हुआ। चार धाम की यात्रा के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन। चार धाम की यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऐसे में आसानी से इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। अब तक लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम आगे किया है। मालूम हो कि 15 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। ये प्रक्रिया केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए 10 मई तक चलेगी, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 12 मई तक रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। वेबसाइट https://registrationandtouristcare.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसमें आपको अपने मोबाइल नंबर आदि की जानकारी देनी होगी। व्हाट्सएप नंबर 8394833833 से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 28 अप्रैल, ऑप्शन बी है 30 अप्रैल, ऑप्शन सी है 29 अप्रैल, ऑप्शन डी है 1 अप्रैल। इसका सही उत्तर है 30 अप्रैल। हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्य अभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है सरयू, ऑप्शन डी है रावी। इसका सही उत्तर है सरयू। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन ए है बेंगलोर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है सूरत, ऑप्शन डी है आगरा। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 44,874, ऑप्शन बी है 46,078, ऑप्शन सी है 44,067, ऑप्शन डी है 44,098। इसका सही उत्तर है 44,874। बिहार का वो कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी है कटिहार, ऑप्शन सी है किशनगंज, ऑप्शन डी है अररिया। इसका सही उत्तर है किशनगंज।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है रामनवमी मांझी, रंजीत मिश्रा, बाबूलाल मरांडी, गोनर शर्मा, अतीक खान, राजकिशोर महतो, मोहम्मद साकिर हुसैन, अनवर करीम खान, पूनम डेविड, नंद कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में भी किसानों द्वारा पराली जलाने की समस्या सामने आती है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।